Good morning everyone, I am Ashish. It's my 8th video in YouTube. Today I will discuss spline curves, Hermite curves, Bezier curves and B-spline curve. I have already discussed curve and splines and their types in my previous lecture. If you have any confusion, you can watch my previous lecture. I have given link of my previous lecture in the description box. Okay. हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइन कर्व्स. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजर स्पाइन कर्व, बी स्प्लाइन कर्व और हर्मिट स्प्लाइन कर्व. उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली कर्व और स्प्लाइन में क्या डिफरेंस होता है. कर्व का मतलब ये होता है कि कोई भी एक कर्व जो कि कई सारे पॉइंट से मिलकर बनना होता है, ठीक है. कर्व इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. और स्प्लाइन को क्या होता है, अ कर्व इज नोन एज स्प्लाइन व्हेन इट इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल पॉइंट्स. तो अगर हम लोग कुछ कंट्रोल पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, जो कि इस कर्व को कंट्रोल करें, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, ऐसे कर्व्स को क्या बोल देते हैं, हम लोग स्प्लाइंस बोल देते हैं. क्लियर. तो एक तो ये मैंने क्लियर कर दिया. देन सेकेंड एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी है कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्प्लाइंस. फर्स्ट इज इंटरपोलेशन. ये वैसे मैं पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार बता दूं ताकि ये समझना थोड़ा आसान हो. इंटरपोलेशन और सेकंड होता है आपका अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइंस. क्लियर. अच्छा, इंटरपोलेशन जब ये भी क्या है, स्प्लाइन है, मतलब कंट्रोल पॉइंट से कंट्रोल हो रहा है. जब हमारे क्या है, सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट कर्व पे ही होते हैं, या इन अदर वर्ड्स व्हेन कर्व इज पासेस थ्रू द कंट्रोल पॉइंट्स देन इट इज नोन एज इंटरपोलेशन स्प्लाइंस. ठीक है, सारे के सारे जो कंट्रोल पॉइंट्स है वो क्या है, कर्व पर ही है. क्लियर. अच्छा, अब अप्रोक्सीमेशन की बात कर ले. अगर अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, व्हेन when some control points are when a curve is not passing or it is passing near the control points, then the spline are known as approximation curves. तो यहां पे हमने ये दो point है जो starting और end point वो तो है, ठीक है, but उसके बाद जितने भी point है वो सारे के सारे कहां पे हैं, इससे दूर है. clear है, जो कि वो दूर से ही उसको क्या कर रहे हैं, control कर रहे हैं. क्लियर. अच्छा, अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, स्प्लाइन कर्व्स की. ठीक है, तो हम लोग पहला हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सा, बीजियर कर्व. BEZIER बीजियर कर्व. बीजियर कर्व की अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो बीजियर कर्व, पहली तो चीज यही, इसको बनाया किसने, ठीक है, तो इनको जो है फ्रेंच इंजीनियर थे पेरी बीजियर, उन्होंने बनाया था. किस लिए, मैं आपको लिखकर बता देता हूं, ठीक है. फर्स्ट इट इज डेवलप्ड बाय फ्रेंच इंजीनियर पियरे बीजियर फॉर यूज इन द डिजाइन ऑफ रेनॉल्ड ऑटो मोबाइल बॉडी. ठीक है, आपने रेनॉल्ड का नाम सुना ही होगा, ठीक है. तो बेसिकली वो एक कार डिजाइन करने के लिए आप कह सकते हो, ठीक है, रेनॉल्ड ऑटोमोबाइल बॉडी को डेवलप करने के लिए फ्रेंच इंजीनियर पियरे बीजियर ने बीजियर कर्व को डेवलप किया था. ठीक है, अच्छा, आगे बात कर ले हम लोग इसकी. तो अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, क्योंकि एक्चुअली जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे बोला जाएगा डिफाइन बीजियर कर्व. ठीक है, अगर बीजियर कर्व क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज से ही हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर. तो पहला हम लोगों ने बता दिया पॉइंट कि क्या है, ये कर्व है जिसको पियरे बीजियर ने बनाया था और रेनॉल्ड ऑटोमोबाइल के लिए इसको यूज करने के लिए बनाया गया था. सेकंड क्या है, इट इज
अप्रोक्सीमेशन कर, अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन कर। मैंने बताया जैसे कि क्या है यहां पे, जैसे सपोज ये फोर कंट्रोल पॉइंट ले लिए, ठीक है, ठीक है, ये आपका एक कर्व बना हुआ है, क्लियर। तो ये क्या है, P1, P2, P3, P4। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट तो जो है ये जो कंट्रोल पॉइंट है ये तो आपके कर्व पर है, बट अदर टू पॉइंट जो है वो इसके कर्व पर नहीं, कर्व के बाहर से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा, तो इसका यही इसका, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन कर्व, जो कि मैंने अभी पहले बता दिया। अच्छा, अब इसी के बाद हम लोग कर लें तो इसी से हम लोग का तीसरा पॉइंट निकल आता है कि इन बीजर कर्व फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आर ऑन द कर्व, ठीक है, इट पासेस थ्रू ओनली एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट हो गए। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज जनरली फॉलो द शेप ऑफ कंट्रोल पॉलीगन। एक कंट्रोल पॉलीगन का मतलब होता है जिसको हम लोग इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, बना सकते हैं, उस पर पूरा कंट्रोल हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका तीसरा लिख लेते हैं, इट इज जनरली फॉलो द शेप ऑफ कंट्रोल पॉलीगन, क्लियर। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ जो है, अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो कंट्रोल पॉइंट्स के ये जो जो भी कर्व बनेगा, जो भी स्पैन बनेगा, वो इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर ऐसे नहीं चलाएगा। हम इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये फोर कंट्रोल पॉइंट हैं, ठीक है, ये इनके कंट्रोल लाइंस हो गए, ऐसा नहीं बने कि ऐसा कुछ कर्व बन जाएगा, क्लियर। ये जो है कंट्रोल पॉइंट के अंदर ही रहेगा कर्व, इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या बोल देंगे, इट सपोर्ट कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी, क्लियर है, ये समझ में आ गया। कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो भी कर्व जो बनेगा, ड्रॉ होगा, वो कंट्रोल पॉइंट के अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, क्लियर। इसी को बोलते हैं कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी। सिक्स पॉइंट लिख लेते हैं। सिक्स पॉइंट में क्या, अच्छा इसमें क्या चीज होती है, इसमें अगर हमें पॉलीगन का जो है डिग्री देखनी है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि इसमें क्या है, कंट्रोल पॉइंट से जस्ट एक कम, जितने भी कंट्रोल पॉइंट है, जैसे इसमें फोर कंट्रोल पॉइंट है, तो इसकी जो पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी, जो कर्व है पॉलिनोमियल, ठीक, इसकी जो डिग्री होगी कितनी होगी, थ्री ऑर्डर की होगी, मतलब कंट्रोल पॉइंट से ठीक है कम। तो हम लोग लिख देते हैं इस पॉइंट को, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज एन फॉर एन प्लस वन कंट्रोल पॉइंट, मतलब आपको कंट्रोल पॉइंट जितने होंगे उससे एक कम आपकी जो है पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ये चीज याद रखनी। अगर 10 कंट्रोल पॉइंट है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 9। अगर 7 कंट्रोल पॉइंट है तो डिग्री कितनी हो जाएगी, ठीक है कम, कितनी हो जाएगी, 8, क्लियर। अच्छा, इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट हैज नो लोकल कंट्रोल। अच्छा, इसमें एक इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है कि जैसे सपोज ये कर्व है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये कंट्रोल पॉइंट है, ये कंट्रोल पॉइंट है, ठीक। अच्छा, तो ये नॉर्मली क्या है, ऐसे बन रहा है, क्लियर, ये आपका क्या है, ये एक आपका बीजर कर्व है। अच्छा, अब सपोज अगर इसका एक कंट्रोल पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ ऐसे जाता है कि आप एक और ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो हमने सपोज कर दिया कि ये जो कंट्रोल पॉइंट है, या नहीं भी बढ़ाते हैं सपोज, ठीक, केवल इस कंट्रोल पॉइंट की बात करते हैं, ये कंट्रोल पॉइंट अगर यहां से ना होके यहां पे आ जाता है, ये ऐसे से आके यहां आ जाए, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा कर्व डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है वो पूरा का पूरा कर्व, मतलब ये फाइनली ये हो जाएगा, ऐसा कुछ, सॉरी ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन ये पूरा कर्व डिस्टर्ब होगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर केवल इधर वाला हुआ तो केवल इतने में फर्क पड़े, वो ऐसा नहीं होगा। तो इसका ओवरऑल जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ओवरऑल जो फर्क पड़ता है वो पूरे में पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या इसको लिख देते हैं हम लोग, क्या ये इसका एक ड्रॉबैक है, इट हैज नो लोकल कंट्रोल, ठीक है, ये पूरा करेगा तो पूरे कर्व में ही इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यही इसका ड्रॉबैक है, जिसके कारण क्या है, बी स्प्लाइन कर्व आया था,
ठीक है। अच्छा अब यहां पे जैसे अब हमको डिग्री देखने, जैसे सपोज ये क्या है, ये भी क्या है, एक आपका क्या है, क्योंकि तो ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट से होके जा रहा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन क्या है आपका, बीजियर कर्व है। ठीक है, बीजियर कर्व है। उसके बाद अगर हम लोग तीन कंट्रोल पॉइंट की बात कर लें, ठीक है, 1, 2 और 3, तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, डिग्री कितनी आएगी, 2 डिग्री का है। क्लियर, कंट्रोल पॉइंट कितने, 3 कंट्रोल पॉइंट है। क्लियर, ये भी आपका एक गीजर कर रहा है। अच्छा यहाँ पे ये 4 पॉइंट ले लिया हमने, ये क्या है, ये 3 ऑर्डर डिग्री का है, ठीक है, और कंट्रोल पॉइंट कितने हैं, 4। अच्छा नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो क्या करते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन ही लेते हैं, क्यूबिक कर्व ही लेते हैं, चाहे हम लोग बीजर कर्व की बात करें या फिर हम लोग हर्मिट कर्व की बात करें या फिर बी स्प्लाइन की बात करेंगे। क्लियर। अच्छा अभी मैं आगे मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी इसके लिए समझ लीजिए कि हम लोग जितने भी हम क्यूबिक बीजर कर्व की बात करें, क्यूबिक बीजर कर्व, क्यूबिक बीजर कर्व में क्या है, बेसिकली ये C1 कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। ठीक है, कंटिन्यूटी को फॉलो करता है। क्लियर, C1 कंटिन्यूटी। मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा है, मैं उसमें बताऊंगा कि C1 कंटिन्यूटी क्या होती है, G1 क्या होती है, ये सारी चीजें बताऊंगा। क्लियर है, तो C1 कंटिन्यूटी शॉर्ट में आप जान लीजिए कि C1 कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि ये आपकी क्या है, आपकी पैरामीटराइज कंटिन्यूटी है 1 ऑर्डर की। क्लियर, तो ये इसको फॉलो करता है। क्लियर है, तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। बीजर कर्व, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बीजर कर्व, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बीजर कर्व, तो आप लोग को ये पॉइंट्स लिखकर और इनको एक्सप्लेन कर देना है। अब आते हैं हम लोग सेकंड, जो इसका ड्रॉबैक था उसको दूर करने के लिए, जो इसका लोकल कंट्रोल नहीं था, ठीक है, इसको दूर करने के लिए हमारा क्या आता है, जो हमारा कर्व आया वो क्या था, बी स्प्लाइन कर्व। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं, बी स्प्लाइन कर्व। अच्छा बी स्प्लाइन कर्व, इसकी जो आपकी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज तो सेम है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमने क्या लिखा था कि इट इज डेवलप्ड बाय फ्रेंच इंजीनियर, इट इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय पेरे बीजियर। ठीक है, वो मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको भी क्या है, ये भी एक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेशन कर्व, स्प्लाइन, ये भी क्या है आपका, आपका क्या है, अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा तीसरा जो इसका है कि जो इसकी उसकी प्रॉपर्टी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी बीजर कर्व की, क्या पढ़ी थी कि इट ऑलवेज पासिस थ्रू ओनली एंड पॉइंट ऑफ द कर्व, तो ये क्या होता है कि ये केवल ये कोई एंड पॉइंट से भी नहीं गुजरता है। ठीक है, इट इज, आप लिख सकते हो, फुल्ली अप्रोक्सीमेशन कर्व, इट इज नॉट, इट डज नॉट पास एनी कंट्रोल पॉइंट। मींस अगर इसका हम लोग डायग्राम बना दें, तो डायग्राम कुछ इसका ऐसा होगा कि सपोज ये 4 कंट्रोल पॉइंट है। क्लियर है, तो ये जो ऐसा करके कुछ बन जाएगा, ठीक है, ये 4 कंट्रोल पॉइंट बाहर से इसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर, ये एक स्प्लाइन बना हुआ है जिसके 4 कंट्रोल पॉइंट है, P1, P2, P3 और P4, इसको बाहर से ही कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें जो ये स्प्लाइन है, जो कर्व है, ये एक भी कंट्रोल पॉइंट इस कर्व पर नहीं है। क्लियर। अच्छा उसके बाद इसका फोर्थ हम लोग जो पॉइंट है वो देखते हैं, तो उसमें क्या है कि अभी तक ये भी इसका भी वही है सेम, कि जो है ये भी आपका क्या बोलते हैं कि
इट इज जनरली फॉलो द शेप ऑफ कंट्रोल पॉलीगन, ठीक है, ये भी कंट्रोल पॉलीगन को ही सपोर्ट करता है। अच्छा तीसरा हम लोग आगे लिख लेते हैं। अच्छा इसमें क्या है कि जो उसका जो ड्रॉबैक था पीस की, उसका ड्रॉबैक था कि लोकल कंट्रोल नहीं था, तो इसका क्या है, लोकल कंट्रोल है, ठीक है। अच्छा लोकल कंट्रोल है कैसे, एक्चुअली ये जो कर बना होता है ये इसको बोलते हैं इट इज अ सेट ऑफ पीस वाइज पॉलिनोमियल सेट्स, कई सारे पीसेस से मिलकर बना होता है, जैसे सपोज ऐसे करके या ऐसे करके ऐसे करके, तो कई सारे पीसेस आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको क्या किया हमने आपस में ऐड कर दिया, ये एक पीस है, ठीक है, ये एक पीस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसा करके सब कर दिया, तो ये क्या है एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं क्या, इट इज अ सेट ऑफ पीस वाइज पॉलीनोमियल सेगमेंट दैट पासेस थ्रू टू अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, क्लियर है। अच्छा अब उसके बाद बात करते हैं डिग्री की, उसमें क्या था कि हम लोग को जितने कंट्रोल पॉइंट होते उससे कम डिग्री होती थी, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है, द डिग्री ऑफ अ बी स्प्लाइन पॉलीनोमियल कैन बी सेट इन डिपेंडेंटली ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, कंट्रोल पॉइंट पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि उसकी डिग्री कितनी होगी, क्लियर। और जो हमारा सिक्स पॉइंट है उसमें क्या है, इट अलाउ लोकल कंट्रोल ओवर द शेप, जो कि उसका ड्रॉबैक था वही है, ठीक है। तो इसमें वो मिल गया क्या, इट अलाउ लोकल कंट्रोल ओवर द शेप ऑफ अ स्प्लाइन कर्व और सरफेस, ठीक है। अच्छा उसके सेवन पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, अच्छा ये क्या, इसमें कौन सी कॉन्टिन्यूटी, अगर हम लोग यहां पे बात कर ले तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इट फॉलो इसमें भी हम लोग बात करें तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग जैसे फोर पॉइंट लिए, ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग एक क्यूबिक बी स्प्लाइन कर्व की बात कर रहे हैं, आप लिख लो इसको इन क्यूबिक बी स्प्लाइन कर्व देयर आर सी टू टाइप कॉन्टिन्यूटी, क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे सी टू टाइप की कॉन्टिन्यूटी होती है, क्लियर। एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको क्या है, ये भी वही था, पीरे बीजर नहीं किया था, ये अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन कर्व है, ठीक है। अच्छा इसका जो दूसरी चीज थी, जो बीजर कर्व था उसकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो कर्व पर होते, बट इसके कोई भी एंड पॉइंट कर्व पर नहीं होते हैं, कोई भी पॉइंट कर्व पर नहीं होता, सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट कर्व के बाहर ही होते हैं। अच्छा इसके बाद ये इसका एक और क्या था, ये पीस वाइज पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में होता है, मतलब जो भी कर्व है वो क्या अलग अलग पीसेस को जोड़कर जो बनता है तो इससे होता है, ठीक है। अच्छा इससे आराम क्या होती है कि लोकल कंट्रोल जो होता है वो बढ़ जाता है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक चीज और हो जाती है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कंट्रोल पॉइंट पे डिपेंड नहीं रहती है। अब लास्ट आता है हमारा क्या, हर्मिट कर्व, हर्मिट स्प्लाइन कर्व, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, पहला नॉर्मली मैंने बताया कि जितने भी कर्व हम लोग स्प्लाइंस यूज करते हैं वो सारे सारे क्यूबिक ही यूज करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर भी जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और इससे नीचे जो होता है वो उतना स्मूथनेस नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं स्मूथनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कर्व्स का ही यूज करते हैं, ओके। अच्छा तो इसका पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि बेसिकली इसको डेवलप किसने किया या किसके बाद जो है नाम इसका पड़ा, तो वो थे क्या, कौन, चार्ल्स हर्मिट डेवलप्ड
हर्मिट कर्व, क्लियर। अच्छा सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज इंटरपोलेशन कर्व, इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंटरपोलेशन क्या होता है, इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि इसके सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट कर्व पर ही होते हैं, या आप सेकंड अदर वर्ड्स में कह सकते हो कि क्या होता है कि जो कर्व होता है वो सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट से होकर गुजरता है। अच्छा इसका तीसरा पॉइंट क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो भी कंट्रोल पॉइंट, जैसे सपोज हमने ये एक कर्व बनाया, ठीक है, हमने मान लिया इसमें कितने हैं, 4 कंट्रोल पॉइंट है, तो जितने भी कंट्रोल पॉइंट होंगे, ठीक है, वहां से क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ। सपोज ये P1, P2, P3, P4 जो है इनके कंट्रोल पॉइंट्स हैं, तो सारे के सारे कंट्रोल पॉइंट कर्व पर ही है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, टेंजेंट ड्रॉ करेगा। और टेंजेंट क्या बताती है, टेंजेंट ये बताती है कि जो कर्व है उसका डायरेक्शन बताती है, ठीक है, कर्व का डायरेक्शन बताती है। तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, टेंजेंट इन ईच कंट्रोल पॉइंट दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ कर्व, ओके। फोर्थ क्या है, कर्व ऑलवेज पासिंग थ्रू ऑल कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है, कर्व इज पासिंग थ्रू ऑल कंट्रोल पॉइंट्स, ओके। फिफ्थ क्या हो जाता है आपका, कि क्या है, कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता है, इट डज नॉट सपोर्ट कॉन्वेक्स हल प्रॉपर्टी, ओके। अच्छा उसके सिक्स हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी क्या कैसी होती है, तो इन क्यूबिक क्यूबिक हर्मिट कर्व देयर आर C1 टाइप ऑफ, ये एक्चुअली वन ऊपर लगता है, ठीक है, C1 टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्लियर है। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को, ठीक है, जो तीन आप लोगों से जो मैंने डिस्कस किए हैं वो आप लोगों को स्प्लाइंस, ठीक है, ये आपका था पहला बेजियर कर्व, ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। बेजियर कर्व के बाद था बी स्प्लाइन कर्व, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, और कई बार डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, ठीक है, कि फाइंड द डिफरेंस अमंग बी स्प्लाइन, बेजियर एंड हर्मिट कर्व, और तीसरा हमारा था हर्मिट कर्व, क्लियर है, ओके, थैंक यू।